हरे कृष्णा, स्वागत है मेरे चैनल ब्रिटीज किचन में। तो आज बनने जा रहा है ब्रिटीज किचन में खेक्सा की सब्जी। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। आपके यहाँ क्या क्या बोला जाता है, आप कहाँ से देख रहे हैं इस सब्जी को। मुझे तीन नाम इसके पता है, खेक्सा तो हमारे यहाँ बोला ही जाता है, दूसरा कंटोला जो मुझे सब्जी वाले ने बताया है, और बन करेली बोलते हैं। वैसे मैं कंफ्यूज हूँ, वन होता है लेकिन नाम इसका बन करेली है, बन करेली बताया गया है। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या नाम है, मुझे करेक्ट करिएगा कि यही नाम है कि सही में बन करेली होता है, क्या होता है, और आप इसको क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा। लेकिन ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। लोग पता नहीं पसंद करते कि नहीं करते हैं, बट ये सब्जी हम तो सूखी मिलती तो भी हम खा जाते हैं, मीन्स की रोटियों के साथ खा गए। और ऐसे तो प्रॉपर मील आपकी बनी जाती है, थाली एक जिसमें दाल के साथ इस सब्जी को बहुत पसंद किया जाता है। तो आप भी इस सब्जी को जिस तरह से बनाए उस तरह से बनाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए बस बिना किसी देरी से शुरू करते हैं सब्जी को बनाना। और रेसिपीज अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे फेसबुक पेज और जो मेरा इंस्टाग्राम है, सारी चीजें लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पर जाके क्लिक कर सकते हैं और वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि सब्जी पूरी कट कर ली थी। अब ये है चार जो है लहसुन हमने लिए हैं, कलियाँ लहसुन, और हमने तीन चार हरी मिर्च ली, और ये प्याज हमने दो प्याज लिया था आपने जैसे देखा होगा। तो दो प्याज को हमने जो स्लाइस है वो उस तरह से कट किया है, लंबे लंबे लच्छे के उसमें हमने कट किया हुआ है। अब हमने यहाँ पर एक पैन लिया, इसमें हमने सरसों का तेल डाला। अब यहाँ इस वाली सब्जी को पकाने में थोड़ा सा सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ होगा, तो हमने इतना डाला हुआ है, लगभग चार टेबल स्पून होगा। फिर उसके बाद इसमें तुरंत ही आपको लहसुन डाल देना है, तुरंत ही मिर्च डाल देना है, जलने नहीं देना है, मीन्स कि हल्का सा जो तेल है वो गर्म हो बस तुरंत आप डाल दीजिएगा, और तुरंत ही प्याज भी डाल दीजिए। अब यहाँ पर प्याज को आपको जो है बिल्कुल लाल या पिंक कुछ भी इसमें नहीं, कलर आपको नहीं लाना है, क्योंकि सब्जी के साथ ये पकेगा, तो सब्जी के साथ बहुत अच्छा इसका धीरे धीरे ये पक जाएगा, बहुत अच्छे फ्लेवर्स उसमें आ जाएंगे। अब हम तुरंत ही आप देखिए बिल्कुल हमने नमक डाल दिया, तो यहाँ पर आपने दो टीस्पून हमने नमक डाला हुआ है, डेढ़ टीस्पून डाला हुआ है, फिर थोड़ी सी हल्दी पाउडर हमने हाफ टीस्पून, और थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर डाला हुआ है, एक टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाला हुआ। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला, धनिया भी भर भर के नहीं डाली, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब जो हमारा ये जो खेक्सा है हम इसको डाल देंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, खेक्सा को आपने जैसे मैंने आपने देखा होगा कि इसको मैंने कट कैसे किया है, कि इसको मैंने जो एक हाफ पार्ट में मैंने चार पार्ट किए हुए हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा कट करिएगा, ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और अब इसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम में हम कर देंगे, लो फ्लेम में धीरे धीरे इसको हम पकाएंगे, कवर करके बीच बीच में चलाते रहिएगा, लेकिन लो फ्लेम में ही रखिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, नीचे से बहुत जल्दी ये पकड़ लेगा, जलने लगेगा। तो धीरे धीरे लो फ्लेम में आप इसको पकने दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए, और लगभग 10 मिनट में ये बहुत अच्छी सी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। आप इसको कट करके देखेंगे ना, तो ये कट हो रही है, तो मीन सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इतना अच्छा मीन्स की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी, कि बस मुझे तो बहुत पसंद है। और अब हमने हल्का सा जो है नींबू निचोड़ दिया है, आधा नींबू उसमें भी थोड़ा बच गया होगा, तो थोड़ा सा नींबू हमने निचोड़ दिया, उसको मिक्स किया, जब बन गई है तब मैंने ये किया है। अब यहाँ पर धनिया से हमने गार्निश इसको कर दिया है, थोड़ी धनिया, हरी धनिया डाल दी है, बहुत अच्छी लगती है, इसको हमने दाल के साथ बनाया था, और ऐसे ही बनती है, तो सिर्फ रोटियों के साथ हम लोग खा लेते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें डालना नहीं। और ये देखिए भरवा करेले बना के, इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कॉमेंट जरूर करिएगा, बहुत गजब लगते हैं भरवा करेले, मेरी मम्मी की रेसिपी है तो मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगी। तो ये देखिए हमारी ये जो कंटोला या फिर बन करेली या फिर आप खेक्सा, इसकी सब्जी हो गई है तैयार बनके। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और आपको कैसी लगी। इसमें पता है कोई मसाले ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, लेकिन इस सब्जी हर सब्जी का अपना कोई एक टेस्ट होता है, तो वो जब बहुत ज़्यादा आप मसाले डाल दो ना, तो वो मतलब अच्छी नहीं बनती है। तो इसमें बहुत ही गजब सब्जी बनके हो जाएगी तैयार, एक बार तो ट्राई करना बनता है। रेसिपीज अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।